डियर कैटेगिज्म स्टूडेंट्स, जय यीशु। आप सब कैसे हैं? आज के दिन कैसे हैं? क्या आपने आज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लिए हैं? कोरोना का समय है, जैसे हम सुरक्षित रूप से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे हम सुरक्षित रूप से यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं, उसी प्रकार सुरक्षित रूप से हम मिसा बलिदान में भी भाग लेने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखें और विशेषकर संडे के दिन में रविवार को पवित्र बलिदान में भाग लेने का एक आदत हम बनाए रखना है। सो प्लीज़ ट्राई टू गो टू द चर्च विद पेरेंट्स विद सेफ्टी मेथड। ओके, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं और माता मरियम के मध्यस्था द्वारा हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर आंख बंद करके हाथ जोड़ते हुए एक प्रणाम मरिया बोलकर हम आज की इस क्लास ईश्वर की अनुग्रह से भरपूर होने के लिए हम विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्था द्वारा प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमेन। तो आज के इस क्लास में पवित्र बलिदान में हम उपयोग करते सेक्रेट वेस्टमेंट्स या पवित्र परिधान या पवित्र वस्त्र के बारे में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्रेट वेस्टमेंट्स, पवित्र परिधान या पवित्र वस्त्र। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पवित्र बलिदान क्या है? हम सबों के लिए एक 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 अर्थ हम हमारे जीवन में पवित्र बलिदान के बारे में हम समझना बहुत जरूरी है। तो पवित्र बलिदान क्या है? पवित्र बलिदान, इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ पास्कल मिस्ट्रीज। इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द पास्कल मिस्ट्रीज। अभी पास्कल मिस्ट्रीज क्या है? व्हाट इज पास्कल मिस्ट्रीज? दिव्य रहस्य है ना। पास्कल मिस्ट्रीज का अर्थ है दिव्य रहस्य। अभी हिंदी में यदि हम बोले तो हम बोल सकते हैं दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव। दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव। तो ये दिव्य रहस्य कौन कौन सा है? दिव्य रहस्य कौन कौन सा है? जैसे ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। और एक बार हम सुने, ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। इसका मतलब पवित्र वेदी पर ईसा मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। ईसा मसीह के शरीर और रक्त को पवित्र मिसा बलिदान में पवित्र बलिवेदी पर चढ़ाया जाता है। और भी बहुत कुछ पवित्र बलिदान के बारे में या पवित्र कुर्बाना के बारे में बता सकते हैं। जैसे द यूगरिस्ट इज द सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स इमेंस लव फॉर अस। और एक बार सुने, ध्यान से सुने, द यूगरिस्ट इज ए सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स इमेंस लव फॉर अस। मतलब पवित्र बलिदान हमारे लिए ईश्वर के असीम प्रेम का उत्सव है। असीम प्रेम, ईश्वर का असीम प्रेम का एक उत्सव हम पवित्र युगरिस्त के रूप में हम मना रहे हैं। और पवित्र युगरिस्त के बारे में कहे तो हम कह सकते हैं
God's mercy is revealed and active in the Holy Eucharist. और एक बार सुने, God's mercy is revealed and active in the Holy Eucharist. मतलब पवित्र बलिदान में ईश्वर की दया प्रगट है और सक्रिय है. यदि हम ईश्वर की दया को अनुभव करना चाहता है तो हम पवित्र बलिदान में आकर विशेष रूप से हमारे पापों के प्रति हम पश्चाताप करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करने से हमें ईश्वर की दया का अनुभव हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं. तो इस प्रकार पवित्र युग्रिस्त के बारे में या पवित्र बलिदान के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन लेकिन अभी ज़्यादा छोटे बच्चे भी हमारे साथ है इस क्लास सभी ग्रुप के लिए हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ज़्यादा थियोलॉजिकल वे हम जाने से वो बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे. लेकिन इतना ही समझे कम से कम छोटे बच्चे इतना ही समझे, ईसा मसीह के शरीर और रक्त को पवित्र बलिवेदी पर चढ़ाया जाता है. यानी पवित्र रहस्यों का, दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव है पवित्र युग्रिस्त. तो इन सब कारणों से हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने ना चुके. डोंट मिस इट. यदि हमसे हो सके, थोड़ा बहुत दर्द है तो भी कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, आज पवित्र मिसा बलिदान में नहीं जाएंगे. ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कष्ट उड़ाते हुए हम पवित्र मिसा बलिदान में जाना है. विशेषकर इस कोरोना के समय में हम सुरक्षित रूप से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सुरक्षित रूप से हम पवित्र मिसा बलिदान में जाने के लिए कोशिश करें. तो अभी हम सेक्रेट वेस्टमेंट्स या पवित्र परिधान या पवित्र वस्त्र के बारे में सुनेंगे. हमारा क्लास इसी सब्जेक्ट के ऊपर है. तो मैं पवित्र युग्रिस्त के बारे में, पवित्र बलिदान के बारे में आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे. तो अभी हम सेक्रेट वेस्टमेंट्स या पवित्र परिधान या पवित्र वस्त्र क्या है इसके बारे में हम सुनेंगे. लेकिन यहां बताया गया है, दिस वेस्टमेंट्स आर सेक्रेट. ये वस्त्र पवित्र है. एक साधारण कपड़ा जैसे नहीं है, लेकिन पवित्र वस्त्र है. पूछो क्यों पवित्र है? Because it is used in Holy Eucharist. It is used in the Holy Eucharist. पवित्र बलिदान में उपयोग करते हैं. पवित्र बलिदान में उपयोग करते सभी चीज पवित्र है. समझ में आया? पवित्र युग्रिस्त, पवित्र बलिदान, जैसे हम बोलते हैं पवित्र बलिदान, बलिदान पवित्र है. तो पवित्र बलिदान में इस्तेमाल करते, उपयोग करते सभी चीज पवित्र है. अभी पवित्र युग्रिस्त या पवित्र बलिदान इसलिए पवित्र है क्योंकि इट इज रिलेटेड विद जीसस, है ना. इट इज रिलेटेड विद जीसस. जीसस तो पवित्र है. अभी मैं जीसस पवित्र है ये ज़्यादा स्थापित करने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं है. ये सब हम बचपन से जाने जाते हैं, गॉड इज होली, है ना, ईश्वर पवित्र है, ये हम सुनते आ रहे हैं. तो ईसा मसीह पवित्र है. सिंस होली यूक्रिस्ट इज रिलेटेड विथ जीसस, होली यूक्रिस्ट इज होली, होली यूक्रिस्ट पवित्र है. तो इसी प्रकार जो भी पवित्र युग्रिस्त में, पवित्र बलिदान में इस्तेमाल करते हैं वे सब पवित्र है. तो हम यदि प्रभु ईसा मसीह से रिलेटेड है तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी पवित्र हो जाएंगे, है ना. तो हमें पवित्र होने का, विशेषकर बचपन या युवा अवस्था में पवित्र बनाए रहना बहुत जरूरी है. इसलिए यदि हम ईसा मसीह से जुड़े रहे
ईसा मसीह से हम रिलेटेड हैं तो हम भी क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे. सो इफ वी आर क्लोज एंड रिलेटेड टू जीसस, प्रभु येसु से जुड़े रहने से हम भी पवित्र बन सकते हैं या पवित्र बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं. तब हमारे पेरेंट्स हमसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है. कैटेगिज्म टीचर क्या बोलेगी, वह बच्चा अच्छा है. हमको अच्छा लगता है ना, हम अच्छा है सुनने से हमको अच्छा लगता है. इसलिए अच्छा होने के लिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की होने के लिए हमें क्या करना है, ईसा मसीह से जुड़े रहना बहुत जरूरी है. अभी पवित्र मिसा चढ़ाते तो पवित्र मिसा बलिदान में पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र वेदी के पास आते हैं. अभी याजक, विशेषकर जो याजक और उपयाजक गण पवित्र मिसा बलिदान के समय पवित्र वेदी के सामने पवित्र वस्त्रों को पहनकर आते हुए हम देखते हैं. पूजा बलिदान शुरू होने के पहले हम लोग देखते हैं, तो वहां से अंदर से ये सब पहन के, वस्त्र पहन के आते हैं. तो इन सभी वस्त्रों के लिए अलग अलग अर्थ है, ठीक है, इन सभी वस्त्रों के लिए अलग अलग अर्थ है, लेकिन सभी वस्त्र ईश्वर के सानिध्य को सूचित करते हैं. ये सबसे पहले समझना है. सभी वस्त्र, सभी वस्त्र कौन कौन सा वस्त्र है अभी हम देखेंगे, लेकिन शुरुआत में हम इतना ही समझे, सभी वस्त्र ईश्वर के सानिध्य को, ईश्वर के सानिध्य को सूचित करता है, ठीक है. तो हमारे कलीसिया के अनुसार पवित्र परिधान को या पवित्र वस्त्र को रूप दिया गया है, ठीक है. तो सब चर्च में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, फर्क है, ज्यादा फर्क तो नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हम देखते हैं. जैसे हमारे भारत देश में, भारत देश में तीन कैथोलिक विभाग है. कितने हैं, तीन, तीन कैथोलिक विभाग हमारे भारत देश में, तीन कैथोलिक विभाग है. देर आर थ्री कैथोलिक चर्चेस इन इंडिया, थ्री कैथोलिक चर्चेस इन इंडिया. सिरो मलबार चर्च, सिरो मलंगरा चर्च, लैटिन चर्च. याद हो गया, एक बार मन में बोले, सिरो मलबार चर्च, सिरो मलंगरा चर्च, लैटिन चर्च, ठीक है. इसको हम बराबर याद रखना, हमारे भारत देश में तीन विभाग के कैथोलिक चर्चेस है. तो सिरो मलबार कलीसिया की पूजन विधि में याजक उपयोग करते वस्त्रों का नाम, ठीक है, अभी हम उसको सुनने जा रहे हैं. सिरो मलबार कलीसिया की पूजन विधि में याजक उपयोग करते पवित्र वस्त्रों का नाम, इसको स्क्रीन में भी आप लोग देखेंगे, ठीक है. इन सब नाम आपको स्क्रीन में देखेंगे, हम देखेंगे, लेकिन हम एक बार सुनते हैं. देखने के पहले हम एक बार सुनते हैं कौन कौन सा है नाम. पहला कुत्तीना, दोहराइए कुत्तीना, ठीक है, पहला कुत्तीना. दूसरा सुनारा, ठीक है, दूसरा सुनारा. तीसरा उरारा, ठीक है, और संदे, चौदह संदे, और पांचवा पाइना, ठीक है. और एक बार हम सुने, कुत्तीना, सुनारा, उरारा, संदे, पाइना, ठीक है. और एक बार हम स्क्रीन में ये देखें, अभी ऐसा नाम कभी सुना है, सुनारा, उरारा, कुत्तीना, ये क्या हिंदी शब्द है या नहीं, ये कौन सी भाषा है,
कौन सी भाषा है किसी को मालूम है? दिस नेम्स आर इन सिरियक लैंग्वेज. सिरियक ये कहां का भाषा है? सिरियक लैंग्वेज. ठीक है, ये नाम सिरियक भाषा में है. अभी सीनियर्स के लिए मैं थोड़ा बोल रहा हूं, बच्चे भी समझने के लिए कोशिश करो ए ए सिरियक भाषा का महत्व क्या है, हमें समझना है, बहुत जरूरी है. सो दिस नेम्स आर इन सिरियक लैंग्वेज. ओके, सिरियक लैंग्वेज. सिरियक लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में एक है. ठीक है, नाउ इट इज ए डायलेक्ट ऑफ अरमाइक. अरमाइक भाषा तो सुने ही होंगे, हम बाइबल में अरमाइक भाषा के बारे में सुनते हैं. इट इज ए डायलेक्ट ऑफ अरमाइक विच जीसस क्राइस्ट इज सेड टू हैव स्पोकन अबाउट 2000 इयर्स एगो. मतलब यीशु मसीह की भाषा. ठीक है, नाउ सिरियक इज ए डायलेक्ट ऑफ अरमाइक. तब सिरियक भाषा किसकी भाषा होगी? यीशु मसीह की भाषा. ईसा मसीह ने जो भाषा बोली, जैसे मैं अभी हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह सिरियक भाषा या अरमाइक भाषा का इस्तेमाल किए थे. अभी एक चीज और समझना है, क्लासिकल सिरियक इज स्टिल यूज्ड एज द लिटर्जिकल लैंग्वेज इन वेरियस क्रिश्चियन चर्चेस. क्लासिकल सिरियक इज स्टिल यूज्ड एज द लिटर्जिकल लैंग्वेज. प्रार्थनाओं में इस्तेमाल किया जाता है, प्रार्थनाओं में सिरियक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. कहां कहां? जो चर्च सिरियक ट्रेडिशन से जुड़े हैं उन कलीसियाओं में सिरियक भाषा का इस्तेमाल करते हैं. कहां? उनकी प्रार्थनाओं में. ठीक है, तो आवर डायसिस, हमारा डायसिस कौन सा डायसिस है? सतना डायसिस है ना, सतना डायसिस, एपार्की ऑफ सतना, सतना धर्म प्रांत है. तो ये सतना धर्म प्रांत कम्स अंडर सीरो मलबार चर्च. ठीक है, सतना डायसिस कम्स अंडर सीरो मलबार चर्च. अभी ए सीरो सीरो मलबार चर्च, ए सीरो क्या है? सीरो क्या है? इज़ड ई आर ओ, ओ सीरो है क्या? नहीं, ओ सीरो का अर्थ है, ठीक है, शून्य. ओ सीरो नहीं है, यहां का स्पेलिंग है एस वाई आर ओ, सीरो. सीरो इंडिकेट्स व्हाट? ए चर्च विथ सिरियक ट्रेडिशन. समझ में आया? ए चर्च विथ सिरियक ट्रेडिशन. That means we also should use or we can use Syriac language in our liturgy. हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी प्रार्थनाओं में Syriac भाषा का इस्तेमाल हमको कर सकते हैं या करना है. We should use because it is the language of जीसस क्राइस्ट. उसके कारण से ही ये लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है, अभी उदाहरण के लिए हम पवित्र मिसा बलिदान में हम गाते हैं जैसे ऊंचे स्वर से, है ना, ऊंचे स्वर से गाने में हम गाने के बाद बोलते हैं हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान,
हे पावन अमा हम बर दया का। अभी हम उसको थोड़ा सरेख भाषा में सुने, है ना, कैसे लग रहे हैं आप लोग बोलिए कैसे लगेंगे, ठीक है। कंदिशा आला कंदिशा हेलसाना कंदिशा लामायो सा एसराहम आले शुमाला उलवराहल रुहाद को कंदिशा आला कंदिशा हेलसाना कंदिशा लामायो सा एसराहम आले। कैसा लगा? तो अभी ए थोड़ा अभी ये आप लोगों के पास है ट्यून, अभी यूट्यूब में गया तो उधर भी हमें मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सीखना है, ठीक है। सीख के धीरे धीरे हम अपने चर्च में गाना है, ठीक है। इस गीत को हम लोग दोहराना है और उसको हम चर्च में गाना भी है, ठीक है। तो छोटे बच्चे कम से कम इतना समझे, ये सब नाम जो हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेट वेस्टमेंट पवित्र परिधान या पवित्र वस्त्र, ये सब सिरियक भाषा में है, ठीक है, सिरियक भाषाओं में। और सिरियक भाषा दुनिया के सबसे प्राचीन भाषाओं में एक है और यीशु मसीह की भाषा है। कौन सी भाषा? सिरियक या अरमाइक, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत हम समझते हुए हम सबसे पहले पवित्र वस्त्र के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। तो सबसे पहला वस्त्र का नाम है, जैसा हमने सुना, कुत्तीना, ठीक है, कुत्तीना। व्हाट इज कुत्तीना? कुत्तीना क्या है? It is a symbol of the renewed new man. क्या है? It is a symbol of the renewed new man. The one who wears kutina puts on Jesus Christ. समझ में आया? The one who wears kutina puts on Jesus Christ. मसीह में नवनीकृत व्यक्ति का प्रतीक, ठीक है, मसीह में नवनीकृत व्यक्ति का प्रतीक। जो यह वस्त्र पहनता है वह प्रभु ईसा मसीह को धारण करता है। समझना है? जो यह वस्त्र पहनता है किसको धारण करता है? प्रभु ईसा मसीह को धारण करता है। मतलब मसीह में नवनीकृत व्यक्ति का प्रतीक, मसीह में नवनीकृत व्यक्ति का प्रतीक। जो यह वस्त्र पहनता है वह ईसा मसीह में नवनीकृत हो जाता है, ठीक है। मतलब अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव यानी ईश्वरीय स्वभाव अपनाते हुए ईश्वर के कार्य करने के लिए तैयार होकर आए व्यक्तियों को सूचित करता है, ठीक है। ईश्वर के कार्य करने जा रहे हैं, ईश्वर के कार्य करने वाले व्यक्ति, ठीक है, इसको पहनते हुए ईश्वर के कार्य करते हैं। तो कुत्तीना सूचित करते हैं मसीह में नवनीकृत व्यक्ति का प्रतीक, ठीक है। इतना बहुत इतना तो काफी है जो हम थोड़ा समझे, उतना काफी है। तो कुत्तीना का अर्थ अभी आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले पुरोहित पूजा बलिदान में आने के पहले इसी को सबसे पहले पहनते हैं,
कुतीना, ये फोटो हम स्क्रीन में देखेंगे कुतीना क्या है और हम उसके बाद ये पहनते हुए भी हम एक बार इस वीडियो में आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा सुनारा, ठीक है, सुनारा स्क्रीन में देख सकते हैं सुनारा क्या है। ठीक है, सुनारा, अभी ये सब सीखने के बाद अगली बार जब मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जब पुरोहित आते हैं, थोड़ा ये सब देखना है। ठीक है, और हर एक चीज का नाम भी थोड़ा याद करते हुए बोलना है, तब हमारे दिमाग में आ जाएगा। केवल एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, ये केवल एग्जाम के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी जिंदगी भर के लिए हम लोग सीख रहे हैं। अभी जो भी पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हमको बोल सकना है कि पुरोहित कौन सी वस्त्र या उस पवित्र वस्त्र का नाम क्या है, इसको हमको बोलना है। तो दूसरा है सुनारा, सुनारा। पुरोहित कुत्तीना पहनने के बाद कुत्तीना के ऊपर सुनारा कमर में बांधा जाता है। ठीक है, सुनारा कमर में, कुत्तीना डालने के बाद कमर में या कमर के थोड़ा ऊपर करके बांधा जाता है। ठीक है, अभी इसका अर्थ क्या है? सुनारा का अर्थ है यह शुद्धता और सेवा का प्रतीक है। और एक बार बोले, यह शुद्धता और सेवा का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ चास्टिटी एंड रेडीनेस टू सेव। सीनियर्स थोड़ा ध्यान दे, इट इज द सिंबल ऑफ चास्टिटी, चास्टिटी and readiness to serve Christ, to serve on the altar। ठीक है, तो इसका अर्थ है दुनिया के सभी विचारों से, सभी कार्यों से दूर रहकर ईश्वरीय विचार के साथ ईश्वर के कार्य, ईश्वर की सेवा में लगे रहने को याद दिलाता है सुनारा। ठीक है, ईश्वर के कार्य, ईश्वर की सेवा में, है ना, ईश्वर की सेवा में लगे रहने को याद दिलाता है सुनारा। ठीक है, तो तीसरा, अभी हम तीसरा पवित्र वस्त्र के बारे में सुनेंगे, वह है उरारा। ठीक है, उरारा स्क्रीन में देख सकते हैं उरारा। It is the symbol of being appointed for the sacred service. Symbol of being appointed for the sacred service. Symbol of ministerial priesthood. ठीक है, symbol of ministerial priesthood. अभी ये उरारा गले में से पहना जाता है। ठीक है, आप लोग देखा होगा पुरोहित ऐसे डालते हैं, गले में से पहना जाता है। अभी इसको ध्यानपूर्वक सुने, पवित्र सेवा के लिए नियुक्तित व्यक्तियों को सूचित करता है। पवित्र सेवा के लिए नियुक्तित व्यक्तियों को सूचित करता है। जो कोई इस वस्त्र पहनते हैं उन लोग पवित्र सेवा के लिए चुने हुए व्यक्ति है। जो कोई ये वस्त्र पहनते हैं, डालते हैं, वे लोग पवित्र सेवा के लिए चुने हुए व्यक्ति है। और पुरोहित का अधिकार को भी यह सूचित करता है। उरारा पुरोहित का अधिकार को भी सूचित करता है। अभी लास्ट में हम समझे, यह पवित्रता को भी सूचित करता है। पवित्रता, उरारा पवित्रता को भी सूचित करता है। अभी उरारा कहां कहां पुरोहित पहनते हुए हम देखते हैं, जैसे पुरोहित जब कोई पवित्र कार्य करते हैं ये पहनता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि घर की आशीष करते समय, है ना, गाड़ियों की आशीष करते समय,
और भी ब्लेसिंग के समय पुरोहित उरारा पहनते हैं। और कभी हमारे चर्च के संस्कारों को या संस्कार दिए जाते वक्त है ना पुरोहित उरारा पहनते हैं। तो उरारा क्या है अभी हम लोग समझ लिया, तो उसको भी हम मन में याद रखने के लिए कोशिश करें। अभी अगला है संदे, संदे स्क्रीन में देख सकते हैं, संदे संदे क्या है। संदे पुरोहित अपने दोनों हाथों में पहनते हैं, दोनों हाथों में पहनते हैं, ठीक है। अर्थ है संदे पवित्र वस्त्र का अर्थ है पुरोहित का हाथ पवित्र कार्य करने के लिए तैयार है, पुरोहित का हाथ पवित्र कार्य करने के लिए तैयार है, ठीक है, इतना काफी है। और लास्ट पैना, ऊपर बताए गए जो पवित्र वस्त्रों के बारे में हमने सुना, ऊपर बताए गए सभी पवित्र वस्त्रों को पहनने के बाद सबसे ऊपर पुरोहित पैना पहनता है या पहना जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर। यह धार्मिकता और विश्वस्तता का प्रतीक है, ठीक है, धार्मिकता और विश्वस्तता का प्रतीक है या वस्त्र है। इट इज ए गार्मेंट ऑफ जस्टिस, इट इज ए गार्मेंट ऑफ जस्टिस। जब डीकन आप लोगों को आप लोग सुने होंगे, मालूम होंगे, जैसे हमारे सन ऑफ फ्रेम्स थियोलॉजिकल कॉलेज से संडे को डीकन्स आते हैं हमारे परिसरों में ना मिनिस्ट्री के लिए। तो जब डीकन पुरोहित बनता है तब बिशप स्वामी यह वस्त्र पहनाते हुए एक सेंटेंस बोलते हैं या एक प्रार्थना बोलते हैं, जैसे इस धरती पर विश्वस्तता और पवित्रता के साथ ईश्वर को महत्व देने के लिए ईश्वर आपको यह वस्त्र धारण कर दे रहा है। और एक बात सुने, इस धरती पर विश्वस्तता और पवित्रता के साथ ईश्वर को महत्व देने के लिए ईश्वर आपको यह वस्त्र धारण कर दे रहा है। सो इट इज अ गिफ्ट ऑफ God, it's a gift of Jesus. ईसा मसीह अपने तरफ से जो पुरोहित बनते हैं दे रहे हैं। तो इन सब पवित्र वस्त्रों के बारे में हमने सुना, ठीक है, पवित्र वस्त्रों के बारे में हमने सुना। और एक बार हम उन सभी नामों को थोड़ा याद करते हैं और हम बोलते हैं सभी पवित्र वस्त्रों के बारे में हमने सुना। हम और एक बार उन सब नामों को थोड़ा याद करें, जैसे शुरुआत में पुरोहित पहनते हैं, सबसे पहले पुरोहित पहनते हैं कुत्तीना, फिर सुनारा और उरारा और संदे और पैना, ठीक है, इतना तो बाय हार्ट करना है, ठीक है, याद रखना है। अभी पुरोहित जब चर्च जाते हैं उन वस्त्रों को देखकर, पवित्र वस्त्रों को देखकर हमें बोलना है, ठीक है, ये सब नाम थोड़ा हम बोलना है, ठीक है। अभी अंत में हमारी क्लास की अंत में एक और पवित्र वस्त्र या एक चीज हम देखते हैं पवित्र मिसा बलिदान के समय। ज़्यादा आप लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि ये बलिवेदी पर रखा गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बलिवेदी सेवक है और डीकन्स सब है
उन लोग जरूर देखे होंगे, उस वस्त्र का या उस सेक्रेट क्लोथ का नाम है शोशापा, ठीक है, शोशापा या 40 वेल, 40 है ना, 40 वेल, ठीक है। यह हम देखते हैं दिव्य रहस्यों को पवित्र बलिवेदी में लाने के बाद, जैसे जो पुरोहित या डीकन्स बेस्कसा जो दोनों तरफ है, बेस्कसा से दिव्य रहस्यों को यानी ईश्वर के शरीर और रक्त बन जा रहे पवित्र रोटी और दाकरस को बेस्कसा से कहां की ओर लाते हैं, बलिवेदी की ओर लाते हैं। लाने के बाद दिव्य रहस्यों के ऊपर से टकते हैं, ठीक है, दिव्य रहस्यों के ऊपर से ऐसे टकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रार्थनाएं बोलने के बाद कुछ समय ये शोशापा मोड़ के रखते हैं, ठीक है, पवित्र रहस्यों के बाजू में ऐसे करके मोड़ के रखते हैं और कुछ प्रार्थना के बाद उसको सीधे करके रखते हैं, ठीक है, सीधे करके रखते हैं। अभी इसका अर्थ भी थोड़ा समझे, इसका अर्थ है दिव्य रहस्यों के ऊपर से ठकना, जैसे मैंने बोला इस पवित्र वस्त्र को दिव्य रहस्यों के ऊपर से ठकते हैं, इसका अर्थ क्या है, ईसा मसीह को कब्र में पत्थर से ठक दिया था ना, पत्थर से वो जो गुफा है जहां ईसा मसीह के शरीर को कब्र में रखा गया था, पत्थर से ठक दिया था, उसको सूचित करता है। दूसरा, ईसा मसीह के पवित्र शरीर को कपड़ों में लपेटा हुआ था, है ना, जैसे हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह के पवित्र शरीर को कपड़ों में या सफेद कपड़ों में लपेटा हुआ था, यह भी सूचित करता है। तो इन सभी पवित्र वस्त्रों के बारे में हमने सुना और इस पवित्र वस्त्रों को हमारे हमारे मन में याद रखे और हम सीखे एग्जाम के लिए, केवल नहीं बल्कि हमारे जिंदगी पर के लिए ये उपयोग इस्तेमाल करें, हम समझे जब भी पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं। तो इन सब वस्त्रों को नाम से और अर्थ से, अभी हमने दोनों सुना, नाम और उसका अर्थ मीनिंग भी सुना, उस दृष्टिकोण से उसको देखने और उस पवित्र वस्त्रों का आदर करने के लिए हम शुरू करना है, ठीक है। तो ये वस्त्र पवित्र हैं, क्यों पवित्र हैं, क्योंकि ये पवित्र वस्त्र ईसा मसीह से जुड़े हैं, इसलिए पवित्र है। तो अभी हमारा क्लास, आज के इस क्लास लगभग समाप्त हो गया, अभी हम शुरुआत से थोड़ा 2 मिनट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे थोड़ा जल्दी हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पवित्र बलिदान क्या है इसके बारे में हमने मनन चिंतन किया था, जैसे हमने बताया गया था कि पवित्र बलिदान दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव है। दिव्य रहस्य क्या क्या है, दिव्य रहस्य ईसा मसीह के दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान। उसके बाद हमने सुना कि जो वस्त्र के बारे में हमने पढ़ा या सुना, वो वस्त्र सब सेक्रेड है, पवित्र है, वेस्टमेंट्स आर सेक्रेड, पवित्र होने का कारण क्या है, क्योंकि ये ईसा पवित्र बलिवेदी में, पवित्र बलिदान में, पवित्र युग्रिस्त में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये वस्त्र पवित्र है। और हमने सुना क्यों पवित्र बलिदान पवित्र है, पवित्र बलिदान इसलिए पवित्र है क्योंकि ईसा मसीह से जुड़े हैं। तब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम भी पवित्र बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, कब, हम ईसा मसीह से जुड़े रहने से, ईसा मसीह से हम भी रिलेटेड होने से हम भी पवित्र हो जाएंगे। तब हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे हमसे, हमारा पेरेंट्स बोलेंगे हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अच्छी है, अच्छा है,
ठीक है। और हमारे कैटेकिज्म टीचर्स बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहु बच्चा अच्छा है, इसलिए अच्छा बनना है, ठीक है। कम से कम थोड़ा आज से कोशिश करना है, मुझे एक अच्छे बच्चा बनने की एक कोशिश होना चाहिए। उसके बाद हमारे तीन कलीसियाओं के बारे में सुना, ठीक है, सिरो मलबार कलीसिया, सिरो मलबार चर्च और सिरो मलंगरा चर्च, लैटिन चर्च, है ना। भारत देश में तीन कैथोलिक चर्चेस हैं, कैथोलिक विभाग हैं, वो हमने सुना। उसके बाद सिरो मलबार कलीसिया के पूजन विधि के अनुसार जो पवित्र वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी वस्त्रों का नाम हमने सुना। और हमने कहा कि ये सब शब्द या ये सब नाम कौन सी भाषा में है, सिरियक, है ना, सिरियक भाषा में। तो सिरियक भाषा किसका भाषा है, ईसा मसीह की भाषा है ना। तो ये सब सिरियक भाषा में है और हम अपने प्रार्थनाओं में सिरियक भाषा का इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमने अंत में ये सब नाम सीखे हैं और उसका अर्थ और थोड़ा बहुत समझने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है और इसको अच्छी ढंग से पढ़ते हुए समझते हुए अपना कैटेकिज्म पढ़ाई जारी रखें। ईश्वर आप सबों को आशीष करे। आइए हम सब हाथ जोड़कर आंग बंद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। और इतना समय प्रभु ने हम लोगों को अपने पवित्र मिसा बलिदान के बारे में और पवित्र मिसा बलिदान में इस्तेमाल करते पवित्र वस्त्रों के बारे में हमें समझाया और विशेष अनुग्रह के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब मिलकर एक हे हमारे पिता बोलते हुए हम समाप्त करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, हमें परीक्षा में ना पटने दे परंतु दुष्ट से बचा, आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।